वो पूछ ले हमसे तो किस बात का गम है, किस बात का गम है जो पूछ ले हमसे। तो बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स जो थॉट्स हैं वो इतने सरल तरीके से भी कहे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं क्या बहुत चीज़ों को जार्गन्स में, जब भी कोई व्यक्ति साइंटिफिक जार्गन्स का यूज़ करे तो हमें लगता है कि इसे ज़्यादा पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपनी बात को बहुत सिंपल तरीके से बता सके उसे ज़्यादा पता होता है। जैसे कि आजकल स्कूलों में एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं बच्चों का कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आर्ट्स का एक एग्ज़ाम दीजिए और पता चलेगा कि आपके नंबर किस में आते हैं अच्छे, तो आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगे, और फिर वो बच्चा उस फील्ड में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छे से बीतेगी। नहीं तो मैथ्स वाला बच्चा गलती से बायो में आता है, बायो वाला चला जाता है इंजीनियर बनने, सारी लाइफ परेशान होता रहता है। ऐसे ही बीमारियों का भी एक टेस्ट होना चाहिए जिससे कि आपके बॉडी का टेम्परामेंट पता चले। जैसे आपके पेरेंट्स या फैमिली में किसी एक को सोरियासिस है तो होने के चांस है आपको, और आपने कॉलेज ले लिया शिमला में उत्तराखंड में जहाँ ठंड पड़ती है, तो आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होनी होनी है। ज़्यादा बेटर नहीं हुआ कि अगर हमें पता चल जाए कि हमें सोरियासिस होने वाला है, हम कोस्टल एरिया में कोई कॉलेज ले लें, वहीं सेटल हो जाए, तो सारी लाइफ कम दवा खानी पड़ेगी, एग्रीवेट नहीं होगा, प्रॉब्लम ठीक रहेगी। क्यों? तो सोरियासिस जो है वो विंटर्स में पड़ती है, स्किन में रैशेज होते हैं, स्केलिंग होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं। और अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर गर्मी हो, बहुत ठंड पड़ती हो और हवा में ह्यूमिडिटी हो, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कम रहेगी। बहुत से लोगों की गर्मी में पूरी ठीक हो जाती है, दवा खानी नहीं पड़ती। तो आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी है हमेशा, तो आपको कभी नहीं होगा, जबकि आपके अंदर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर भी वैसा है, ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस भी वैसा है, पर आप सही मौसम में है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बहुत से लोग जो आप इंजीनियर बन गए और आप चले गए अमेरिका में, वहाँ स्नो रहती है हमेशा, तो आप सारी लाइफ अब आपको सोरियासिस की दवा भी खाते रहना पड़ेगा, तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ठीक ही नहीं होगा। या फिर आप दुबई में चले गए, गर्मी तो बहुत पड़ती है पर आपकी जॉब ऐसी कि इंडोर है, वहाँ एसी चलता रहता है हमेशा चिल वाला, तो आपको सोरियासिस बढ़ा रहेगा हमेशा, बालों में स्केलिंग रहेगी हमेशा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि अगर बुद्धिमानी से सही एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लिया तो सही हो जाए। क्यों? नई चीज़ है ये बीमारियों का एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या होने वाला है आपको अगर अंदाज़ा पता चल जाए तो आप लाइफ में सही जगह पर जाके सेट हो जाइए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोनों पैर में? दोनों पैर में हल्का कुछ। इंसानी दिमाग जो है वो पैटर्न याद रखता है, एक एक अलग अलग डिटेल्स को हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे अब तुम किसी इंसान को देखे हो, दो बार देखो, चौथी बार देखोगे, पांचवीं बार देखोगे तो तुरंत पहचान लो कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है। ये नहीं कहोगे कि नहीं इसकी आईब्रो ऐसी है, नाक ऐसी है, लिप्स ऐसी है, इसलिए मेरा दोस्त है। ऐसे ही स्किन के डॉक्टर जब किसी बीमारी को देखते हैं तो ये नहीं कहते कि यहाँ सुन है, यहाँ पर अल्सर हो गया है, यहाँ पर इतना कर्वेचर है, इसलिए बीमारी है। वो पैटर्न पूरा पूरा माइंड में फिक्स हो जाता है। तो देखा कि ऐसे हाथ है, हमने कहा कि लेप्रोसी है, और हमने देखा कि ऐसे हाथ है तो हमने कहा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। जैसे शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, देखा होगा कैसे खेलते हैं, तुरंत चाल चलते हैं, तुरंत स्टॉपवॉच दबाते हैं, वो पूरा पैटर्न उनके माइंड में रिकॉग्नाइज जाता है, पूरा पूरा पैटर्न कि अगर ये चीज़ें यहाँ यहाँ है तो अगला मूव यही होगा। बिल्कुल वो शतरंज के हर बोर्ड को अपने दोस्त के चेहरे की तरफ पहचानते हैं। तुम्हारा माइंड जो है फ्रेम बना लेता है, उसी फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए जो स्किन का डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो पूरा चीज़ों को एक सेकंड में देख लेगा, सारे सिम्टम्स को, सारे साइंस को, पूरा फ्रेम बना रहता है।
अब आप अलग अलग हमें डिवाइड करने को बोलिए तो हम बोलेंगे कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और लेप्रोसी में ये डिफरेंस है कि लॉस ऑफ सेंसेशन लेप्रोसी में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में नहीं है। लेप्रोसी में अल्नर नर्व है तो इधर की उंगलियों में ज़्यादा कर्वेचर है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में नहीं है। दोनों में उंगलियाँ सूखी हुई हैं लेकिन ब्लड फ्लो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में यहाँ कम होता है तो अल्सर यहाँ पे हैं, जबकि लेप्रोसी के अल्सर्स और जगह पे हैं क्योंकि वो गर्म ठंडे को न पहचान पाने की वजह से होते हैं। तो ये सब एक साथ दिखता है, अलग अलग नहीं है, उसको एनालाइज किया था। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में आईब्रोज नहीं गायब होते हैं और लेप्रोसी में गायब जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया होते हैं तो वो धीरे धीरे रूट्स को डैमेज कर देते हैं। आईब्रोज का गायब होना वो लेप्रोसी का साइन। क्लियर अगर आप देखेंगे तो आपको लेप्रोसी में नोड्यूल्स दिखेंगे। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में नाक की स्किन एकदम सूख जाती है, पूरा फैट गायब होता है। लेप्रोसी से में भी गायब होता है। लेप्रोसी में यहाँ की बोन गल जाती है, नेजल ब्रिज डिप्रेस जाता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में नहीं होता, बोन तो इंटैक्ट रहेगी पर पूरी स्किन सूखी रहेगी, मुंह के पास की स्किन सूख जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा कल एक ब्रांच खुली रहेगी मेन ब्रांच या बंद रहेगी? कल खुली रहेगी मेन ब्रांच। खुली रहेगी ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके।